मोहन सरकार के मध्य प्रदेश में बजट पेश करते ही कहीं आम जनता के चेहरे पर खुशी देखने को मिली तो कहीं लोगों के हाथ निराशा लगी। मध्य प्रदेश में बजट को लेकर विंध्य क्षेत्र की ऊर्जा नानी सिंगरौली के लोगों को बड़ी उम्मीद थी, लेकिन नए बस स्टैंड की आस लगाए बैठी जनता की उम्मीदों पर पानी फिर गया। सिंगरौली के एक व्यापारी ने कहा कि सिंगरौली के साथ प्रदेश सरकार ने छल किया है। इस बजट से यहाँ के लोगों को काफी उम्मीद थी मगर निराशा हाथ लगी। प्रदेश सरकार ने सिंगरौली के साथ सौतेला व्यवहार किया है। देखिए, हमारे सिंगरौली जिले के लिए ये बजट बहुत ही निराशाजनक बजट रहा और सिंगरौली की जनता के साथ कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की सरकार ने बहुत बड़ा छल करने का काम किया है। सिंगरौली की जनता ने भारी बहुमत से सांसद और इस जिले के 3 विधानसभा सीटें हैं, तीनों विधायक भारतीय जनता पार्टी की झोली में दिया और सब मध्य प्रदेश में इंदौर के बाद सबसे बड़ा जिला हमारा जो है राजस्व देता है, दूसरे नंबर का राजस्व देने वाला जिला सिंगरौली है और ऐसे जिले को इस बजट में कुछ भी न देना यह जनता के साथ छल करने का काम इस सरकार ने किया है। मैं इस सरकार से केवल एक ही मांग करूंगा कि सिंगरौली अपने आप में समृद्धशाली क्षेत्र है, यहाँ का डीएमएफ का फंड इतना है कि यदि ये डीएमएफ का फंड हमें दे दिया जाए खर्च करने के लिए, सिंगरौली जिले को दे दिया जाए खर्च करने के लिए, तो हमें मध्य प्रदेश के अतिरिक्त बजट की कोई आवश्यकता नहीं है। तो वही व्यापारी राम लग्न विश्वकर्मा ने कहा कि सिंगरौली को इस बजट से काफी उम्मीद थी मगर जिले वासियों को इस बजट से उपेक्षित रखा गया। प्रदेश में इंदौर के बाद सिंगरौली राजस्व देने में दूसरे स्थान पर है, इसके बाद भी इसे उपेक्षित रखा गया। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल को, जो कि आपने इस लायक मुझे समझा और मुझे ज्ञात हुआ है कि आज सिंगरौली जी मध्य प्रदेश शासन का बजट पेश हुआ है जिसमें सिंगरौली को उपेक्षित किया गया है, जबकि सरकार से हम सबों की बहुत उम्मीद थी और पूर्ण बहुमत में मेरी सरकार भी है और अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ है उस चुनाव में 29 के 29 सीट बीजेपी को मिला है और हमारे सिंगरौली जिले का सिंधी जिले का सांसद भी जो है बीजेपी से हैं, सिंगरौली जिले का तीनों विधायक जो है बीजेपी से हैं और ये इतना सारा कुछ अपना रहते हुए भी जो है सिंगरौली को उपेक्षित किया गया है, हम सभी व्यापारियों में इसका बहुत बड़ा निराशा है। अगर वह बजट मिला होता तो सिंगरौली निश्चित रूप से विकास की ओर, जो विकास अभी सिंगरौली किया है उससे और विकास में 4 चांद लगे होते। स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगार जो मुद्दा बना हुआ है उस मुद्दे में काफ़ी सफलता मिलती और हम सब जो है इसके इसका लाभ लेते, हमारा यहाँ के सिंगरौली के वासी इस लाभ को प्राप्त करते। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।